नमस्कार दोस्तों, पिछले 6 वर्षों में भारत में बढ़ती बेरोजगारी युवा बहुत आक्रोशित हैं। पिछले 50 वर्षों में कभी भी युवाओं को ऐसे काले दिन नहीं देखने पड़े। कोविड-19 के बुरे प्रबंधन और मोदी सरकार द्वारा अनियोजित लॉकडाउन ने इस समस्या को केवल बदतर ही किया है, जिससे इस दौरान 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई। इस सब के बावजूद केंद्र सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख से अधिक रिक्त पदों पर रोक लगाए हुए हैं। कई राज्यों ने आदेश जारी कर कहा है कि आने वाले 1-2 वर्ष तक सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं देगी। भारत में आज 30 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। अफसोस की बात है, केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वह मानने को भी तैयार नहीं है कि बेरोजगारी देश के सामने एक समस्या है। यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे को अगस्त के दौरान पूरी ताकत से उठाने का फैसला किया है। हमारी मांग है, रोजगार दो, आज दो, अभी दो। 9 अगस्त 2020 को युवा कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस एक बड़े सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से रोजगार की मांग उठाएगी। हम अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं, 9 अगस्त को एकजुट होकर सरकार से रोजगार देने की मांग उठाएं। हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है, हमें अपने आवाज़ उठाने के लिए युवाओं को संगठित करने की ज़रूरत है। जय हिंद।